सरना कोड मिलने से भी आदिवासियों को उतना फायदा नहीं है जितना नुकसान अपने जमीन के जाने से आदिवासियों को है। जल, जंगल और जमीन के बिना आदिवासियों का अस्तित्व नहीं हो सकता। रघुवर सरकार सरना कोड के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। अभी तो केंद्र में और राज्य में भाजपा की ही सरकार है, अभी क्यों नहीं दिया? ये धर्म ऊपर ध्रुवीकरण का काम हमेशा भाजपा करती रही है, यहां भी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी जमीन से बेदखल हो जाते हैं तो ना हम अपना धर्म बचा पाएंगे, ना संस्कृति, ना ही हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना विध्वंस हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमें यह समझना है कि हमारे लिए जरूरी क्या है। सरना का जो विश्वास है वो जमीन जब तक हमारे हाथ में है, जल हमारे जब हाथ में है और जंगल जब हमारे हाथ में है, तो जल, जंगल और जमीन के साथ ही सरना का अस्तित्व है। अगर जमीन ही नहीं रहा तो फिर सरना भी नहीं बचेगा। हमें खतरा है तो उद्योग धंधों से, खतरा है तो खनन से, खतरा है तो शहरीकरण से, खतरा है तो सड़क के विस्तारीकरण से, खतरा है तो बाघ के नाम पर बहुत बड़ा अभयारण्य बनाकर हमें विस्थापित करने से, खतरा है तो बड़े बड़े बांधों से, खतरा है तो स्मार्ट सिटी से। तो उन खतरों का जो पैमाना है उस सरना कोड से मिलने वाले फायदे से कई गुना ज्यादा विध्वंसक है। तो हमें अभी समझना है कि जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा की गारंटी इस चुनाव में कहीं से भी मिले तो आदिवासी उसके पक्ष में है। अगर जल, जंगल, जमीन चुनाव मैनिफेस्टो में नहीं है तो समझ लीजिए आदिवासियों की कोई इशू एड्रेस नहीं हो रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है, उसके लिए हमें अपनी आवाज को और बुलंद करनी होगी। सबको जोहार।